दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक लक्ष्य के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है? जवाब है कि आप किसी ऐसी चीज को पाने में बरसों लगा दें जिसे सिर्फ चंद महीनों में ही हासिल किया जा सकता था। इस बुक में दी गई लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया पर अमल करके आप कम समय में इतना ज्यादा हासिल करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप इतनी तेजी से तरक्की करेंगे कि खुद आप और आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। आप भविष्य में गरीबी से अमीरी तक पहुंच जाएंगे, असंतुष्टि से संतुष्टि तक पहुंच जाएंगे, अपने दोस्तों और परिवार से आगे निकल जाएंगे और अपने अधिकांश परिचितों से ज्यादा सफल हो जाएंगे। अगर आप भी अपने लक्ष्य को कम से कम समय में और तेजी से पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि जब आप अपनी मनपसंद बाइक या कार खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह वही बाइक या कार दिखने लगती है जो आप खरीदना चाहते हैं। उस पल के बाद आप जहां भी जाएंगे वहां आपको ये बाइक या कार नजर आएंगी। आप गाड़ी चलाते समय भी इसे देखेंगे और मोड़ मुड़ते समय भी देखेंगे। आप उन्हें पार्किंग में खड़ी देखेंगे और शोरूम में भी। आप चाहे जहां चले जाएं, आपका संसार आपकी मनपसंद बाइक या कार से भरा हुआ दिखेगा। अब सवाल ये है कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? तो चलिए जवाब जानते हैं। हर इंसान के मस्तिष्क में एक खास अंग होता है जिसे रेटिक्यूलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का यह उंगली जितना छोटा सा हिस्सा आपको हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सचेत रखता है। यह आपको लक्ष्य को भूलने नहीं देता और जब भी आप अपने लक्ष्य से मिलती जुलती चीज देख लेते हैं तो वह आपको तुरंत अलर्ट कर देता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये हर बार हमारे साथ क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब है कि ये उसी चीज के साथ होता है जिस चीज को पाना आप अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लेते हैं और उस चीज को इतने शिद्दत से चाहते हैं कि वह चीज आपके अवचेतन मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाती है। और एक बार अगर कोई चीज आपके अवचेतन मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गई तो फिर उस चीज को हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है, अपने जीवन का आज ही एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें और उसे पाने में जमीन आसमान एक करें। पॉइंट नंबर टू, सफलता की राह की दो बाधाओं को हटा दें। सफलता के राह की दो प्रमुख बाधाएं हैं, डर और शंका। सबसे पहले तो असफलता, गरीबी, नुकसान या रिजेक्शन का डर होता है जो ज्यादातर लोगों को कोशिश करने से ही रोकता है। इसीलिए नया लक्ष्य हासिल करने की लोगों की कोशिश औसतन एक से भी कम होती है। लक्ष्य के बारे में सोचते ही ये डर उन पर हावी हो जाते हैं। जिस तरह जरा सी आग लगने पर पानी की बाल्टी डालने से वह बुझ जाती है, उसी तरह ये डर उनकी इच्छा को पूरी तरह बुझा देते हैं। दूसरी मानसिक बाधा है शंका, जो डर के बहुत करीब है। हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता बल्कि शक होता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करके सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा बेहतर, स्मार्ट और कार्यकुशल हैं। हम सोचते हैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। हम अपने मनचाहे बड़े लक्ष्य हासिल करने की चुनौतियों के सामने अक्षम और हीन महसूस करते हैं। सच्चाई ये है कि सफल लोग असफल लोगों से कहीं ज्यादा बार असफल होते हैं। सफल लोग ज्यादा चीजें आजमाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं और तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि वे सफल नहीं हो जाते। दूसरी ओर असफल लोग अगर आजमाते भी हैं तो बहुत कम चीजें आजमाते हैं और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और दोबारा लौटकर वहीं पहुंच जाते हैं जो वे पहले कर रहे थे। याद रखिए, सफलता से पहले हमेशा अस्थाई असफलता आती है। किसी महान इंसान ने कहा था, लगभग हर समस्या सुलझाई जा सकती है। इस धरती की हर समस्या का कोई समाधान या तो है या फिर नहीं है। अगर समाधान है तो इसे खोज लो, अगर नहीं है तो इसकी चिंता मत करो। तो दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है, सफलता की राह की दो प्रमुख बाधाएं, डर और शंका को हटा दें। पॉइंट नंबर तीन, अपने फील्ड के बाप बने। 20% सेल्स पीपल 80% पैसा कमाते हैं।
इसका मतलब है कि बचे हुए 80% सेल्स पीपल सिर्फ 20% पैसा कमाते हैं और यह उनके बीच बंट जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टॉप की 10% की श्रेणी में शामिल हर व्यक्ति शुरुआत में 10% की निचली श्रेणी में भी रहा था। आज बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कभी बहुत खराब काम कर रहा था। आज जीवन की सबसे सामने वाली कतार में खड़े व्यक्ति ने अपना जीवन सबसे पीछे की कतार से शुरू किया था। दूसरों ने जो भी किया है आप भी वह कर सकते हैं। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है और कोई भी आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर या ज्यादा स्मार्ट होते हैं। जो लोग किसी क्षेत्र में आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने आपसे पहले जरूरी मूलभूत योग्यताएं सीख ली हैं। अगर आप दूसरों जितना हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप वे योग्यताएं अब तक नहीं सीख पाए हैं। प्रेरक वक्ता लेस ब्राउन कहते हैं, जिस चीज को आपने पहले कभी हासिल नहीं किया उसे हासिल करने के लिए आपको वैसा व्यक्ति बनना होगा जैसे आप पहले कभी नहीं थे। तो तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें इतने एक्सपर्ट बने कि कोई भी आपका मुकाबला ना कर पाए। पॉइंट नंबर 4, प्रायोरिटीज फिक्स करें और तेजी से काम करें। सक्सेस मैगजीन में कुछ साल पहले एक सर्वे रिपोर्ट छपी थी। 104 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को आदर्श कर्मचारी के 20 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण चुनने को कहा गया। 86% सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने 2 गुणों को करियर की सफलता और तरक्की के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। पहला था प्राथमिकताएं मींस प्रायोरिटीज तय करने की योग्यता, यानी महत्वपूर्ण को महत्वहीन से अलग करना। दूसरा था काम को तेजी से करने की योग्यता। कई लोग अपनी नौकरियों में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वे उस काम को नहीं कर रहे हैं जिसे उनका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है। अगर आप महत्वहीन काम को पूरी शिद्दत से कितना भी अच्छी तरह करते हैं तो भी क्या आपको इससे कोई लाभ होगा? याद रखिए, हमेशा वही काम करें जो आपके बॉस की पहली प्राथमिकता हो और फिर इसे तेजी से करने का संकल्प करें। कोई भी चीज बॉस को इतना खुश नहीं करती जितना कि शीर्ष प्राथमिकता वाले काम को फटाफट निपटाने वाला कर्मचारी। यह सुनिश्चित करे कि वह व्यक्ति आप ही हो। तो चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि प्रायोरिटीज फिक्स करे और तेजी से काम करे। पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट सीख ले। समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका है अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण में फर्क करना। आपको अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कामों में फर्क करना आना चाहिए। अत्यावश्यक काम वे काम हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं और उनको अर्जेंट बेसिस पर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंपनी में बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि इस साल हम अपना प्रोडक्शन 2 गुना कैसे कर सकते हैं। ये काम आपके लिए और कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, मगर अचानक आपका बॉस आता है और बोलता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डेटा चाहिए और वो भी आधे घंटे के अंदर। तो अब आपको आपके हाथ में लिया हुआ काम छोड़कर अपने बॉस का काम पहले करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम महत्वपूर्ण भी है और अर्जेंट भी है। ऐसे काम को कहेंगे अत्यावश्यक काम। जैसे ही अत्यावश्यक काम पूरा हो जाएगा आपको फिर से वापस अपने महत्वपूर्ण काम पर लौटना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपके दीर्घकालीन भविष्य में वो सबसे ज्यादा योगदान दे सकता है। फिर ऐसे काम आते हैं जो न तो अत्यावश्यक हैं न ही महत्वपूर्ण, जैसे फोन की घंटी बजना या किसी क्लिक के साथ गपशप करना। अगर ये फालतू काम हम ऑफिस आवर्स में करते हैं तो बर्बादी दूर नहीं है। तो पांचवी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि ऑफिस में सिर्फ महत्वपूर्ण और अति आवश्यक काम ही करें, फालतू के काम ऑफिस आवर्स के बाद करें। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो में बने रहिए। पॉइंट नंबर 6, अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगातार देखें। मानसिक तस्वीर देखने की योग्यता आपकी सबसे प्रबल शक्ति है। आपके जीवन के सभी सुधार आपकी मानसिक तस्वीरों से शुरू होते हैं।
आप आज जहां हैं और जो हैं, काफी हद तक उन मानसिक तस्वीरों के कारण हैं, जो इस वक्त आपके चेतन मन में हैं। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदल लेते हैं तो आपका बाहरी संसार उन तस्वीरों के अनुरूप बदलने लगेगा। सफल लोग वे होते हैं जो पहले से ही उस सफलता की मानसिक तस्वीर देखते हैं जिसका वे आनंद लेना चाहते हैं। हर नए अनुभव से पहले सफल व्यक्ति पुरानी सफलता के पुराने अनुभवों की मानसिक तस्वीरें याद करता है जो आने वाली घटना के अनुरूप होती है। सफल सेल्समैन सफल सेल्स प्रस्तुतियों की मानसिक तस्वीर देखेगा और उन्हीं को याद करेगा। सफल वकील सफल मुकदमे के प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर देखेगा और उन्हीं को याद करेगा। सफल डॉक्टर या सर्जन किसी रोगी के सफल उपचार की मानसिक तस्वीर देखेगा। मानसिक तस्वीर देखने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। यह आपके जीवन में उन लोगों परिस्थितियों और संसाधनों को आकर्षित कर देता है जिनकी जरूरत आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए होती है। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलते हैं तो आपका बाहरी संसार आईने की तरह बदलने लगता है। तो सिक्स्थ बात जो आपको याद रखनी है वो है कि अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगातार देखें। पॉइंट नंबर 7, अपने अवचेतन मन को सक्रिय करें। ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज को वस्तुओं के विस्थापन के बारे में अवचेतन प्रेरणा की कौंध नहाते समय आई। वे इतने रोमांचित हो गए कि बाथरूम से बाहर निकले और एथेंस की सड़कों पर नंगे दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका, मतलब मैंने इसे खोज लिया है। आप भी अक्सर ऐसा ही महसूस करते हैं जब आपके मन में ऐसा कोई महान विचार आता है जो किसी समस्या को सुलझा देता है या आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा देता है। आपका अवचेतन मन आपको आपकी जरूरत के हिसाब से सटीक जवाब बिल्कुल सही समय पर सुझा देगा। अब सवाल यह है कि अपने अवचेतन मस्तिष्क को एक्टिव कैसे करें? तो ध्यान से सुनना, आप अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लें और उसे पाने के लिए शिद्दत से काम करना शुरू कर दें। फिर आप जो भी कर रहे हों उसमें अपना पूरा दिल झोंक दें। हमेशा उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बात करें, उसे लिखें, उसे दोबारा लिखें और हर दिन इसकी समीक्षा भी करते रहें। उस लक्ष्य को हासिल करने में जिस भी चीज से मदद मिल सके उससे जुड़ें और हर वो काम करें जो उस लक्ष्य को संभव बना सकता हो। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में सतत संकल्पवान प्रगतिशील कर्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपके साथ सभी तरह की सौभाग्यशाली खोजों तथा समकालिकता की घटनाएं होने लगेंगी। लोग आपकी मदद करने के लिए अप्रत्याशित जगहों से प्रकट होंगे। आपको फोन कॉल और मदद के प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे विचार और जानकारी मिलेगी जिसे आपने पहले कभी नहीं पाया होगा। आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा तेजी से लेकर जाएगा। तो सातवीं बात जो आपको याद रखनी है वो है कि अपने अवचेतन मन को सक्रिय करें। पॉइंट नंबर 8, सफलता का रहस्य। अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने कई साल पहले रिटायर होते समय आयोजित डिनर में एक कहानी सुनाई। वे अमेरिका के सबसे सम्मानित व्यवसायियों में से एक थे। उन्होंने कहा कि जब वे युवावस्था में असफल और नर्वस थे तो उन्हें एक हाई स्कूल के बोर्ड पर कुछ शब्द दिखे। उन्होंने वे शब्द पढ़ लिए और उन शब्दों ने उनकी जिंदगी बदल दी। क्या थे वे शब्द? वे शब्द थे, आपसे जितना काम करने की अपेक्षा की जाती है उसके बाद आप जितना ज्यादा काम करते हैं उसी के हिसाब से जीवन में आपकी सफलता तय होगी। उस दिन के बाद उन्होंने संकल्प किया कि उनसे जितने काम की उम्मीद की जाती है वे उससे बहुत ज्यादा काम करेंगे। उन्होंने संकल्प किया कि वे हमेशा एक मील आगे तक जाएंगे और जितनी सैलरी मिलती है उसे ज्यादा काम करेंगे। उस दिन के बाद अपने बाकी करियर में वे थोड़ी ज्यादा जल्दी उठे, थोड़ी ज्यादा मेहनत की और देर तक रुककर काम किया। हर मामले में उनकी रणनीति एक ही थी, जितना भुगतान मिलता है उससे ज्यादा करो। दूसरे जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा करो, एक मील ज्यादा चलो, यही सफलता का रहस्य है। सेल्फ मेड मिलियनियर्स के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने शून्य से शुरू करके अपने कैरियर में मिलियनियर बनने वाले हजारों स्त्री पुरुषों से बातचीत की। ये सेल्फ मेड मिलियनियर्स लगभग एकमत थे कि उन्हें सफलता हमेशा इसलिए मिली
क्योंकि वे भुगतान से ज्यादा काम करते थे। उन्होंने अपने पहले काम से ही यह आदत डाल ली थी कि उन्हें जितना मिलेगा उससे ज्यादा काम कर